कई जनपद है जहाँ के लोगों की आने की संभावनाएं बनी थी, लगभग 5 लाख जनता आ रही थी, उनको अंदेशा हो चुका था, वो लोग डर गए थे। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने वहाँ पे उस स्कूल में प्रेशर करा दिया, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो हाथ उठा दिए कि यहाँ के यहाँ प्रोग्राम में नहीं करा सकता, अगर प्रोग्राम कराऊंगा तो मेरे यहाँ बुलडोजर आ जाएगा। हो गया था, जनता का उत्साह था, कई जनपद से लोग आने की संभावनाएं बन चुकी थी, कई जिला के लोग उत्साहित थे, लेकिन बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था। आप देख रहे हैं केवल बनारस में जेडीयू की रैली स्थगित होने पर बोले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र था, जहां हमें कैंपस में रैली करने से रोका गया। जिनके कैंपस में प्रोग्राम था वहां के प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर कहा कि हमें बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते, इसलिए रैली नहीं हो सकता। यहां 5 लाख जनता बनारस के रैली में आ रही थी, बीजेपी को डर था और हमने अरेंजमेंट कर लिया था, इसलिए कैंसिल कर दिया गया। जमा खान ने कहा कि मैं बनारस पहुंच गया था, दबाव बनाकर बनारस की रैली को कैंसिल कराया गया, बनारस की रैली को कोई नहीं रोक सकता, रैली तो होकर रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं, जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था, कई जनपद से लोग आने की संभावनाएं बन चुकी थी, कई जिला के लोग उत्साहित थे, लेकिन बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहां पर रोक दिया गया। जहां पे हम जिस स्कूल में जगतपुर इंटर कॉलेज के कैंपस में प्रोग्राम था, वहां का प्रिंसिपल हाथ उठा दिया कि हम बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते हैं, सब लोग डर गया था। हमारे नेता का जो उत्साह लोगों को देखने का, बात सुनने का, बनारस के अंदर था, बनारस के अगल बगल कई जनपद है जहाँ के लोगों की आने की संभावनाएं बनी थी, लगभग 5 लाख जनता आ रही थी, उनको अंदेशा हो चुका था, वो लोग डर गए थे। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने वहाँ पे उस स्कूल में प्रेशर करा दिया, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो हाथ उठा दिए कि यहाँ के यहाँ प्रोग्राम में नहीं करा सकता, अगर प्रोग्राम कराऊंगा तो मेरे यहाँ बुलडोजर आ जाएगा। डर था लगता है प्रधानमंत्री को भी डर हो गया क्या? एकदम डर था, तभी तो सारा व्यवस्था अरेंजमेंट हम लोग कर लिए थे, हम लोग जा भी रहे थे, मैं तो बनारस में पहुंच चुका था, जो प्रभारी मंत्री थे बनारस में मौजूद थे, कई जिलों से अगल बगल मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, वहाँ के नौजवान, जनता में उत्साह था, उस उत्साह को देखकर उनको रिपोर्ट मिल चुका था, उन्होंने प्रेशर कराकर उसको कैंसिल कराया है, इसका जवाब जनता 24 में जरूर दे। चौबीस तारीख को था, जो लोग डर गया था वहाँ पे, जहाँ प्रोग्राम मेरा 5 दिन पहले ही प्रोग्राम क्लियर हो चुका था, उस प्रोग्राम को उन्होंने कैंसिल कराया है दबाव बनाकर। कैंसिल कराने में क्या आप लोगों को बताया गया, डीएम ने क्या स्पष्टीकरण दिया, क्यों कैंसिल कर रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं बताया, जो वहाँ के प्रबंधक थे जहाँ मेरी प्रोग्राम था, उन्होंने साफ कहा कि मैं बुलडोजर नहीं चलवाना चाहता, इसका वहाँ प्रेशर था, वो लोग प्रोग्राम नहीं कराना चाहता था, वो लोग डर गया था नेता के कारणों को देखकर, नेता के प्रति जो लोगों का जज्बा उत्साह था उसको देखकर वो लोग डर गए थे। आने वाले दिनों में मैं यही कहूँगा कि जनता उनको जरूर जवाब देगी, प्रोग्राम तो होगा ही, एकदम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम तो होगा ही, प्रोग्राम कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उन्होंने इस बार प्रोग्राम हमारा रोक दिया, लेकिन अगली का हम लोग बहुत जल्द उसको प्रोग्राम कराते हैं, हम लोग कराएंगे। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव भी लड़ेंगे, ये तो बात नहीं है चुनाव लड़ने की, लेकिन लोगों के अंदर प्यार, जज्बा, उत्साह है, हर प्रदेश के लोग चाहते मेरे यहाँ में ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे। सम्राट चौधरी कह रहे 5,000 भीड़ भी नहीं जुटा, वो तो अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं, वो तो हमेशा पिछले लगू रहे हैं, कहीं किसी के साथ कुछ भी कह सकते हैं ना, आप जानते ही हैं, जब मेरे साथ थे तो मेरी बड़ाई करते थे, आज मेरे साथ नहीं है तो कुछ भी वो कह सकते हैं।